हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 5:15 हो रहा है और आज जो है ना दोस्तों लगभग 12 बजे के आसपास में बहुत तेज तूफान आंधी बहुत था। देख सकते हैं इधर पूरा पत्रा एल्वेस्टर का ही पूरा उल्टा दिया हुआ है। इधर इतना आंधी बेजोड़ था कि देख सकते हैं झांखी उखी सारे गिर गया है। इधर पत्रा देख सकते हैं सब लटके आ गया। उधर इतना तेज बारिश था कि आंधी एक गाछी भी आ रहा था पूरे तरह से गिर गया। और वहां जो देख रहे हैं वहां का लकड़ी उधर आकर के इधर सब चढ़ाया हुआ है। देख सकते हैं पूरा घर का कैसा हाल हो गया। बहुत बहुत ज्यादा तूफान था, बहुत ज्यादा आंधी था। देख सकते हैं पूरा घर के अंदर अनाज उनाज था सारे गीला हो गया है। और सामने वाला घर उधर भी टाटी था, टाटी सारे उधिया गया, इतना ज्यादा आंधी था। से चलते हैं सरे हो इसे आते हैं। देख सकते हैं दोस्तों एक किया उधर सारा गिर गया है, टाटी भी सारे गिर गया है। इस तरह का हाल हो गया है, बांस पूरी तरह से नीचे तक लग गया, इतना बिजोर आंधी था। चलते हैं अभी दोस्तों सरे की तरफ और बांस में अपना चलते हैं, लकड़ी कीड़ा होगा तो लेकर आएंगे। चलिए चलते हैं और आते हैं बांस में से। अब बारिश भी तेज हुआ है, पानी लगा हुआ है देख सकते हैं। तो देख सकते हैं पूरा पेड़े गिरा दिया हुआ है, आधे पर से आधा सौ जड़े पर से, इतना बेजोर आंधी था। से इधर भी देख सकते हैं गाछी को जामुन को ऐसा ही गिरा दिया हुआ है। सकते हैं पूरा जामुन उमुन सारे को गिरा दिया हुआ है, इतना बेजोर आंधी था बहुत ज़्यादा। इधर देखिए पत्रा को पूरा उल्टा दिया हुआ अंदर से बाहर से, ये तो खाली पत्रा उल्टा हुआ है। उधर देखे थे पूरा छरन उरन सहित ही गिरा दिया हुआ, देख सकते हैं। इधर शीशो शीशो का पेड़ था वो पूरा गिर गया हुआ। बारिश दोस्तों बेजोर हुआ है, बारिश भी मस्त हो रहा है। तो बारिश को तो दोस्तों जरूरत था क्योंकि बिया हुआ गिराना था, तो पटापटा कर सभी भाई लोग गिराते थे। अभी तो हमारा नहीं गिरा हुआ है बिया, लेकिन बहुत सारे भाई लोग गिराते थे पटा करके। लेकिन बारिश को तो जरूरत था, तो बारिश तो हुआ तो अच्छा है, लेकिन आंधी इतना नहीं आना चाहिए था। बहुत चीज का क्षति पहुंचाया है, घर से लेकर के पेड़ पौधा हर चीज का। तो इतना आंधी नहीं आना चाहिए था, बहुत ज्यादा आंधी था, बेजोर आंधी था। वो तो दिखावे किए हैं। अभी मैं चलता हूँ अपने बांस में इधर, जो कि वहाँ पे है सामने, यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसी बांस में चलते देखते हैं हमारा गाछी का क्या हाल है, गिरा हुआ है कि नहीं, कैसा है, चलते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एक पेड़ को पूरा डाली पूरा गिरा दिया हुआ है, पूरा डाली टूट गया है और सारे को यहाँ का डाली को उठा करके इधर रख दिया हुआ है कि आप, इतना बेजोर आंधी था, सारे टूट गया है गाछी से। देख सकते हैं ये आम का पेड़ था, सब इधर आम तोड़ के रखा हुआ है। तो देख सकते हैं पूरा गाछी को ही मुंडी कर दिया है। अभी देख सकते हैं दोस्तों ये जामुन को आधा पर से गिरा दिया हुआ तोड़ करके। यहाँ पे 5 जामुन था, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और का तो पेड़ डाली उली से गिरा हुआ है और यह गाछी आधा पर से आधा से थोड़ा नीचा से ही पूरा गिरा दिया हुआ है। तो देख सकते हैं पूरा तरह से ना तबाही कर दिया है आंधी तूफान। फाइनली दोस्तों अभी हमने आ गया अपने बांस में, देख सकते हैं आ गया। और दोस्तों आंधी बहुत ज़्यादा था, बारिश तो था हुआ तो ठीक है, लेकिन पेड़ पौधा घर का बहुत क्षति पहुंचाया है। तो किसान भाई लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन
यानी हम लोग भी किसान ही हैं छोटा मोटा, तो किसान भाई लोग को तो अच्छे हैं, लेकिन जिनको घर गिर गया उनके लिए बहुत पीड़ा का बात है, दर्द की बात है। और पेड़ पौधा के लिए तो और ज़्यादा कटा, क्योंकि दोस्तों आम का पेड़ था, जामुन का पेड़ था, वो गिर गया, इतना बड़ा पोस्ट के बारा किया हुआ था, गिर गया तो अच्छी बात नहीं है। और साथ ही साथ जिनको आम फारा हुआ था उनको आशा था फल के लिए, उसका गाछी गिर गया तो फिर दुखी मन तो होगा ही। और जिसको घर उधिया गया, घर गिर गया, वो उसको तो और ज़्यादा दिक्कत हो गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया उन लोगों के लिए जिनको घर गिर गया। और जिनका गाछी गिर गया उसके लिए तो और भी। तो हमारा देख सकते हैं ये जामुन का गाछी गिर गया हुआ है, ये देख सकते हैं सीमर था, ये आधे पैसे टूट गया है, ये वाला देख सकते हैं पे जामुन भी टूट गया हुआ है। जामुन किस्म का है जामुन, वहाँ का जामुन देख सकते हैं, वहाँ का यहाँ आ गया हुआ है टूट करके देख सकते हैं। और एक हमारा जामुन इधर है तो ये सही है, इसमें ना कोई गड़बड़ी, लेकिन वो पूरा टूट गया हुआ इधर, बड़ा बड़ा दो डाली हमारा पर के गिरा हुआ है, दो डाली टूटा हुआ है, एक जामुन का एक सीमर का, यही तो इधर सब ठीक है। और इधर तो हमारा सीमर जो है ना, सीमर पंगवाए हुए थे इसलिए क्योंकि जलावन की कमी है, इसलिए हमने कल परसों मेरे भाई सब पांगा देख सकते हैं इधर का, ये सब पंगवा तो ये सब तो कटवाए हुए थे। और वहाँ भी है पेड़ सामने देख रहे हैं सीमर का, ये सामने वाला, ये सामने वाला है तो भी पंगवाए हुए थे, और तो उसी का डाली और वहाँ भी है और यहाँ पर ला करके रखे हुए हैं जलावन के लिए। लेकिन इधर जो देख रहे हैं इधर आंधी में गिरा है, ये सब आंधी में गिरा है देख सकते हैं, तो देख सकते हैं किस तरह का पूरी तरह से व्यू है। और आंधी तूफान आकर के जो है ना, बारिश आया ठीक है, बारिश से तो खुश है ही, लेकिन आंधी को देख करके दुखी मन है। तो चलिए दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग के एरिया में आंधी था, बारिश था या नहीं, और साथ ही साथ आप लोग के इधर किस तरह का आंधी बारिश हुआ ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में, इतना ही, बाय बाय।